अच्छा जी, अब हमने फोंड फैमिली को डिस्कस कर लिया है। तीन कैटेगरीज हैं उसकी, सैरिफ, सनसैरिफ, मोनोस्पेस, और तीन तरह से हम उसको लगा सकते हैं। एक जो सिस्टम में बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड होते हैं, दूसरे डाउनलोड करके डॉट टीटीएफ फाइल या कोई भी फाइल एक्सटेंशन, और तीसरा हम लिंक लगा के यानी कि सीडियां लगा के भी हम उसको लगा सकते हैं। ये तीन तरीके मैंने आपको बता दिए हैं फोंड लगाने के। अब हम चलते हैं आगे के टेक्स्ट की और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज रहती हैं। तो ये मैं उर्दू में लिखा हुआ टेक्स्ट खत्म कर देता हूं। और यहाँ पे इंग्लिश में दोबारा लिख देते हैं ताकि ये मेरे पास जो है वो टेक्स आ जाए। और इसके ऊपर जो हमने फॉन्ट वगैरह अप्लाई किया हुआ है उसको भी हम रिमूव कर देते हैं फॉन्ट फैमिली को, ताकि हमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो। बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट आ रहा है वो आ गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने बारी बारी कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है, वो हम कर लेते हैं। एक प्रॉपर्टी है डेट इज कॉल्ड फॉन्ट साइज। अच्छा, जो ये फॉन्ट साइज है मैं इसकी वैल्यू दे सकता हूं। मैं जैसे 100 पिक्सल, कितना बड़ा बड़ा नजर आ रहा है ना। और नॉर्मली इसको मैं 50 पिक्सल कहूंगा तो थोड़ा कम छोटा नजर आएगा। इसको मैं 10 पिक्सल कह दूंगा, मैं भी 2 पिक्सल कह दूंगा तो ये और छोटा सा नजर आएगा। 10 पिक्सल कह दूंगा तो थोड़ा बड़ा नजर आएगा। जिस तरह वर्ड के अंदर फॉन्ट साइज होता है ना, हम उसको 11, 12, 14, 16 रख सकते हैं, इसी तरह वेबसाइट में भी होता है। और डेट इज कॉल्ड फॉन्ट साइज, क्योंकि इसके वर्ड 2 है इसलिए दरमियान में हाइफन आ रहा है तो फॉन्ट साइज। अब इसकी वैल्यू, इस प्रॉपर्टी का मतलब समझ में आ गया। इसका मतलब क्या है? टेक्स्ट के साइज को बड़ा छोटा करना। इसका मतलब था उसके स्टाइल को करना चेंज। इसका मतलब है उसके साइज को छोटा बड़ा करना। अब इसकी जो वैल्यू है उसके ऊपर हम आते हैं। ये 10 एक वैल्यू है इसकी तो समझ आ रही है, बट व्हाट इज पीएक्स, इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे तो फिर हमारी बात बनेगी। अच्छा, नॉर्मली जो कंप्यूटर की स्क्रीन है, वो कंप्यूटर की स्क्रीन जो है वो बेस करती है एक स्क्रीन के अंदर कितने नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं, और ये नंबर ऑफ पिक्सल डिपेंड करते हैं ऑन किस पे डिपेंड करते हैं कि उस स्क्रीन की रेजोल्यूशन कितनी है। यानी कि आप लोगों ने सुना होगा अक्सर कि ये स्क्रीन है 720 पिक्सल है, ये स्क्रीन 1080 है, 1020 है, या 2K है, या 4K है। उसका मतलब क्या है? इसको हम रेजोल्यूशन बोलते हैं किसी भी लैपटॉप की। उस रेजोल्यूशन का मतलब क्या है कि इस स्क्रीन के अंदर कितने पिक्सल्स हैं, इस स्क्रीन के अंदर कितने पिक्सल्स हैं। तो नॉर्मली हर स्क्रीन के अंदर कुछ ना कुछ पिक्सल्स होते हैं। लाइक अगर मैं इसको, आपको ये नजर आ रहे हैं बॉक्सेस, ये हल्के हल्के बॉक्सेस नजर आ रहे हैं। अच्छा, ये मेरी स्क्रीन की रेजोल्यूशन इस टाइम अगर 1080 है या 4K है तो उस हिसाब से मेरी स्क्रीन के जो पिक्सल है वो बनेंगे। यानी कि एक स्क्रीन पे, ये स्क्रीन ना हमेशा बॉक्सेस से मिलके बनती है, डॉट्स से मिलके बनती है। जितने ज्यादा डॉट्स हो ना उतनी ज्यादा पिक्चर क्लियर नजर आती है, उतनी स्क्रीन अच्छी नजर आती है। तो जिस स्क्रीन की रेजोल्यूशन अच्छी होती है ना बाय डिफॉल्ट वो उतनी ज्यादा अच्छी नजर आती है। तो लेट्स सपोज अगर मेरी स्क्रीन 720 है तो मेरी स्क्रीन में 720 पिक्सल होंगे, ऐसे आप समझ लो अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए। अगर मेरी स्क्रीन 1080 है तो 1080 पिक्सल होंगे, या 10 अगर 2K है तो 2K पिक्सल होंगे, अगर 4K है तो 4K पिक्सल होंगे। यानी कि ये बॉक्सेस 4K होंगे मेरे पास। अब जितने ज्यादा बॉक्सेस होंगे उतना ज्यादा क्लियर नजर आता है, उतना ज्यादा विजिबिलिटी अच्छी होती है चीज की। तो अब ये जो पिक्सल्स हैं उसी पिक्सल्स को हम यहां पे डिफाइन कर रहे हैं 10 पिक्सल। मतलब मैं कह रहा हूं कि आपने 10 डिब्बे यूज करके इस वर्ड को दिखाना है, एक वर्ड को दिखाना है 10 डिब्बे यूज करने हैं, 10 पिक्सल। तो अगर मेरी स्क्रीन का साइज 720 है तो मैं अगर यहां पे कर दूं 720 पिक्सल, तो मैं क्या कहूंगा कि तुमने इस वर्ड को दिखाना है मेरी पूरी स्क्रीन जितना, 720 पिक्सल जितना एक वर्ड दिखाना है तुमने। तो वो बहुत बड़ा वर्ड बनेगा ना। अगर मैं इसको चलाऊंगा क्या होगा? हाँ,
वो ही बिखर ही ना हो, वो बहुत बड़े पे, तो मतलब मैं नजर ही नहीं आ रहा कहीं पे, गुम गया है पूरी वेबसाइट में। तो इसी तरह अगर मैं इसको 200 पिक्सल करूंगा तो ये देखे ना, मतलब कितनी बड़ी स्क्रीन बन गया 200 पे। तो इस तरह हम डिसाइड कर सकते हैं कि उसको कितने पिक्सल देने हैं। तो पिक्सल एक यूनिट है कि हमने स्क्रीन से कितना साइज कंटेन करना है। तो स्क्रीन से साइज कंटेन करने का पिक्सल एक यूनिट है, समझ आ रहा है आपको? अगर स्क्रीन का साइज मुझे कंटेन करना है तो मुझे इसमें नंबर ऑफ पिक्सल कंटेन करने हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या है मेरे पास? अगर मैं 20 पिक्सल कह रहा हूं तो मैं मतलब 20 पिक्सल स्क्रीन से कंटेन करना चाहता हूं। 30 के अंदर कह रहा हूं मतलब 30 पिक्सल मतलब 50 होगा तो जगह ज्यादा लेगा ना, क्योंकि वो 50 बड़ा हो रहा है। जितने जितने बड़े हो जाएंगे उतनी जगह वो ज्यादा कंटेन करेंगे स्क्रीन से। और ये पिक्सल कैसे कैलकुलेट होते हैं? ऑन बेसिस ऑफ स्क्रीन रेजोल्यूशन। तो जिस किसी कोई स्क्रीन 720 की रेजोल्यूशन की होती है, कोई 1020 होती है, कोई 2K होती है, कोई 4K होती है, जितने ज्यादा रेजोल्यूशन होंगे उतने उस स्क्रीन में नंबर ऑफ पिक्सल ज्यादा होंगे, और जितने नंबर ऑफ पिक्सल ज्यादा होंगे उससे चीजें नजर आएंगी। तो एक्चुअली जो ये पिक्चर वगैरह बनती हैं, ये पिक्चर सारी इकट्ठी नहीं होती, ये एक्चुअली इसमें पिक्सल्स हैं, हर पिक्सल का एक कलर है। ये पिक्चर बताते खुद कुछ भी नहीं होता, मतलब पिक्चर ऐसे नहीं बनती। हमने यहाँ पे पिक्चर ओपन की थी ना, ये पिक्चर ऐसे नहीं, ये बस नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं और हर पिक्सल का बैकग्राउंड कलर चेंज होता है। हर पिक्सल का जब बैकग्राउंड कलर चेंज होगा तो हमें वो इस तरह की पिक्सल जो है वो स्क्रीन नजर आएगी ऐसे। अब हमें ये नजर आ, हालांकि ये पिक्चर खुद कुछ नहीं है, ये नंबर ऑफ पिक्सल पे कलर है। इसी तरह जो वीडियो होती है वो भी मल्टीपल इमेजेस का मजमूआ होती है, और एक इमेज पिक्सल के ऊपर कलर होते हैं। बात समझ आ रही है आपको? तो इससे हमारी पिक्सल बन जाते हैं और फिर पिक्सल से हम चीजें दिखा सकते हैं। तो हमें अगर स्क्रीन पे ज्यादा साइज चाहिए तो हम नंबर ऑफ पिक्सल ज्यादा कर देंगे। तो फिर पिक्सल पीएक्स से क्या समझ में आया? ये सीएसएस के अंदर एक ऐसा यूनिट है जिससे हम स्क्रीन के ऊपर साइज को ले सकते हैं। अच्छा, अब अगर आप मुझे ये बताओ, अगर मैं कहता हूं कि इसको ना 100 पिक्सल साइज कर दो, क्या हर स्क्रीन पे ये 100 पिक्सल सेम रहेगा या नहीं? क्यों भला? हर स्क्रीन की रेजोल्यूशन डिफरेंट होगी, किसी पे ये बहुत बड़ा नजर आएगा और किसी पे ये बहुत छोटा नजर आएगा। बट डिपेंड ऑन, मतलब मेरे पास इतनी बड़ी स्क्रीन है, वो बड़ी, सब बड़ी स्क्रीनों पे भी अक्सर काम करते हैं ना, जो मेरे पास स्क्रीन है वो 27 इंच की है, तो इतनी बड़ी स्क्रीन है तो उस पे वो डिफरेंट नजर आएगा क्योंकि उसकी रेजोल्यूशन डिफरेंट है। ये छोटी स्क्रीन है तो इसकी रेजोल्यूशन डिफरेंट है, और हो सकता है किसी छोटी स्क्रीन पे भी बहुत छोटा नजर आए। क्यों? अगर वो 4K है तो 4K पे नंबर ऑफ पिक्सल बढ़ जाते हैं तो वो छोटा नजर आएगा। तो ये डिपेंड करेगा यूजर की स्क्रीन के ऊपर। तो हो सकता है कि एक पैराग्राफ एक जगह पे दो लाइनों में, एक स्क्रीन पे दो लाइनों में शो रहा हो और एक स्क्रीन में तीन लाइनों में शो रहा हो। इट विल बी डिपेंड ऑन स्क्रीन रेजोल्यूशन। क्या नहीं, नहीं हमने आगे कब दिया था? था तो सही है। हाँ, इसकी अब इसकी डेफिनेशन है, H1 का एक साइज है, जो P का बाय डिफॉल्ट साइज है, दैट इज कॉल्ड 16 पिक्सल, दैट इज कॉल्ड, अगर मैं 16 पिक्सल देता हूं तो फिर ये वही साइज होगा जो डिफॉल्ट में अभी साइज है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 16 पिक्सल होता है। H1 का बाय डिफॉल्ट साइज होता है 32 पिक्सल, इसी तरह H2 का साइज होता है, H3 का साइज होता है, ऐसे तो वो कम होते रहते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपके कितने पर्टिकुलर साइजेस हैं, सही है? तो फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी समझ आ गई और उसकी वैल्यू क्या हो सकती है वो भी समझ आ गई। दे सकते हैं, अभी हमने वो यूनिट पढ़ा नहीं ना, तो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट पिक्सल यूनिट, के हमें अगर पिक्सल में वैल्यू देनी है तो हम कैसे देंगे। तो पिक्सल एक ऐसा यूनिट है जिसकी मदद से आप उस चीज को बड़ा छोटा कर सकते हो पिक्सल यूनिट के साथ। ऑल गुड। चेंज हो जाए या हो रहा है? हो रहा है लेकिन कर सकते हैं, लेकिन फिर हमें ये यूनिट बदलना पड़ेगा। ये यूनिट पिक्सल अच्छा यूनिट नहीं है,
क्यों? भला क्योंकि हर स्क्रीन में यूनिट पिक्सल कम ज्यादा हो सकते हैं, जब कम ज्यादा हो रहे हैं तो फिर वेरिएशन आएगी। तो अगर हमें पिक्सल, अगर हम इसका यूनिट पिक्सल ना रखें तो फिर इस प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं, बात समझ रहे हैं, फिर इस प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं, क्योंकि पिक्सल यूनिट इज नॉट अ गुड यूनिट टू यूटिलाइज बिकॉज वो स्क्रीन के पिक्सल पर डिपेंड कर रहा है, सही है, लेकिन वेरिएशन तो स्टिल आएगी अगर हम पिक्सल देते हैं तो। अच्छा, फॉन्ट साइज के बाद हमारे पास प्रॉपर्टी है फॉन्ट स्टाइल। उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि हमने इटैलिक किया था आई टैग से, अब वही सेम काम कर सकते हो बट हम सीएसएस के साथ। उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी है? फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल मैंने क्या कर दिया है? इटैलिक कर दिया है। तो इसी तरह फॉन्ट स्टाइल में हमारे पास बोल्ड भी हो सकता है, फॉन्ट स्टाइल इटैलिक हो सकता है, और एक और होता है इसका, अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट में पॉसिबल वैल्यूज ये आपके सामने लिखी हैं, 100 से शुरू होती हैं, 900 तक जाती हैं, फिर बोल्ड है, बोल्डर है, और लाइटर है। अगर मैं 900 लगाता हूं तो आप लोग देखिएगा क्या होगा, ये काफी ज्यादा, और अगर मैं 100 देता हूं तो क्या होगा, थोड़ा ब्रीक हो जाएगा, और अगर मैं बोल्ड देता हूं तो बोल्ड हो जाएगा, अगर मैं बोल्डर देता हूं तो उससे ज्यादा बोल्ड हो जाएगा। अगर मैं क्या करता हूं कि लाइटर करता हूं तो क्या होगा, लाइट हो जाएगा। मतलब तो फॉन्ट वेट एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके अंदर हम जो उसका फॉन्ट वेट है यानी कि उसका वेट है उसको कम ज्यादा कर सकते हैं। उसकी जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो क्या क्या हो सकती हैं? 100 to 900, 100, 200, 300, 400 ऐसे, और दूसरी ऑप्शन क्या है? बोल्ड, बोल्डर और इटैलिक, सही है, सॉरी लाइटर। अच्छा, उसके बाद ये तो हमने लगा लिया ना फोन से, हैं? नहीं नहीं, वो इटैलिक, ये जो बोल्ड है ना, ये इसका मतलब क्या है कि आपने उसको मोटा दिखाना है इन टर्म ऑफ वेट, कि आप वो दिखने में भारी लगे, या लाइटर करना है या हैवी करना है उसको। फेंट फॉन्ट वेट वही होगा, मतलब फॉन्ट वही होगा, वो उसका डिजाइन नहीं बदल रहे हम, उसका स्टाइल नहीं बदल रहे हम, उसको भारी कर रहे हैं। वो इटैलिक है तो हम इटैलिक को भी भारी कर सकते हैं या लाइट कर सकते हैं, लेकिन डिजाइन उसका वही रहेगा, वो जिस तरह का नजर आ रहा है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इधर से देख लेते हैं। अच्छा जी, टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी मल्टीपल वैल्यू हो सकती हैं, जैसे लाइक सेंटर, अगर मैं सेंटर करूंगा तो क्या होगा, टेक्स्ट जो है ना वो सेंटर अलाइन हो जाएगा। ये अभी आपको फील नहीं हो रहा कैसे होगा, अगर मैं इसको छोटा कर दूंगा टेक्स्ट, अब ये देखें, अगर नॉर्मली अगर हम फॉन्ट टेक्स्ट सेंटर नहीं करते तो क्या होता है, ये लेफ्ट अलाइन होता है, शुरू से चलता है। अगर मैं ये अप्लाई कर देता हूँ टेक्स्ट अलाइन तो ये सेंटर में आ गया। इसकी और वैल्यूज भी होती है, जैसे टेक्स्ट अलाइन सेंटर है, एंड है, जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या करता है कि एक लाइन को मतलब पूरा पूरा रखता है एंड पे, वो मैं आप दिखाता हूं उसका मतलब। फिर स्टार्ट लेफ्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, स्टार्ट मतलब शुरू से होगा, बाकी लाइनें ऐसे चलेंगी। तो अगर मैं जस्टिफाई करता हूं इसका, अभी इसका इफेक्ट नजर नहीं आएगा, जब नंबर ऑफ लाइन ज्यादा होंगी ना फिर वो उनको जस्टिफाई करेगा नंबर ऑफ लाइन के दरमियान। लाइक अब ये देखिए, ये दोनों साइडों से बिल्कुल क्या कर रहा है, उसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन कर रहा है, और ये क्यों कर पा रहा है, क्योंकि मैं उसको क्या कर रहा हूं, जस्टिफाई कर रहा हूं।
एक साइड से जस्टिफाई करना हो तो आप लेफ्ट कर दे, लेफ्ट अलाइन, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइन ही होता है। अगर दूसरी साइड से करना है तो राइट अलाइन, ये इधर से हो गया। अगर दोनों साइडों से करना है तो जस्टिफाई, और अगर सेंटर करना है तो सेंटर, फिर ये सेंटर। नहीं वो ऐसे नहीं हो सकते, फिर हमें उसके ब्लॉक को उठा के उधर रखना पड़ता है। अभी हम ब्लॉक की डिस्कस नहीं कर रहे, एक साइड पे तुम आप कह रहे हो इमेज होती है, एक साइड पे टेक्स्ट होता है, वो हम उसके पूरे बॉक्स को ही हिला देते हैं। अभी हम इसका बॉक्स को नहीं हिला रहे, नहीं इकट्ठा तो नहीं कर सकते ना। आप तो कह रहे हो कि एक बंदे के दो नाम इकट्ठे रख सकते हैं, या दो सीएनएस इकट्ठे रख दें उसके, नहीं ऐसे नहीं होता, या सेंटर होगा या जस्टिफाई होगा, दोनों चीजें इकट्ठे नहीं कर सकते। स्टार्ट का मतलब है कि जो पहली लाइन है ना वो होती है एडजस्ट के, जिस तरह अब लेफ्ट में भी ऐसे ही है, लेकिन वर्टिकली सेंटर करना है, नहीं वो नहीं है कोई ऐसा ऑप्शन। वर्टिकल लाइन होता है पर वो मतलब डिस्कार्ड हो गया, सीएसएस से खत्म कर दिया। मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसी कोई टेक्स्ट की प्रॉपर्टी नहीं है जिसकी मदद से हम उसको सेंटर कर सकते हैं, फिर हमें डिफरेंट रूल अप्लाई करने पड़ेंगे, वो भी नहीं हम पढ़ रहे। कर सकते हैं लेकिन ऐसा कोई टेक्स्ट की मदद से नहीं कर सकते, ब्लॉक की मदद से कर सकते हैं। अभी हम ये जो प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं ना, ये टेक्स्ट पे अप्लाई हो रही है, मतलब ये जो टेक्स्ट है ना इस पे अप्लाई हो रही है, इसके बैकग्राउंड पे अप्लाई नहीं हो रही, इसका बैकग्राउंड फिक्स है। अगर हम इसका करें ना, ये वहीं पे खड़ा हुआ है, इसको कुछ नहीं छेड़ रहे हम, ये हम टेक्स्ट को कर रहे हैं, कभी लेफ्ट लाइन कभी राइट लाइन कभी ये इधर कभी उधर, ये उसको छेड़ रहे हैं, उसकी उसकी जात पे नहीं फर्क पड़ रहा। लेकिन जब हम इसका जो बैकग्राउंड है, यानी कि बैकग्राउंड का मतलब ये ब्लॉक जो है, इसको भी हम हिला सकते हैं अपनी जगह से, उसको हिला के फिर हम सेंटर पे करेंगे। यानी कि बैकग्राउंड की मदद से हिला के पूरे कंटेनर को आगे पीछे करना और बीच में टेक्स्ट को आगे पीछे करना, दोनों में फर्क है। तो अभी हम बैकग्राउंड को हिला के आगे पीछे नहीं कर रहे, बैकग्राउंड को हिला के आगे पीछे करूंगा तो साथ में टेक्स्ट भी तो जाएगा ना, तो अभी हम उसको नहीं छेड़ रहे, अभी हम सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं उसकी, टेक्स्ट की डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है चलें, तो आज हमने जो अगर मैं रिवाइज करूं, आज हमने फॉन्ट फैमिली पढ़ा है, फॉन्ट साइज पढ़ा है, फॉन्ट स्टाइल पढ़ा है, फॉन्ट वेट पढ़ा है, टेक्स्ट अलाइन पढ़ा है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है, फिर नेक्स्ट टाइम हम फर्दर चीजें को कवर करें।